हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जाना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिनके हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी। आपने लास्ट क्लास में देखा था हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों, और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनसे बने हुए कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स देखनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक्स देखनी है, तो आप मेरे पुरानी लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम आईयूपीएसी नेमिंग का दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आईयूपीएसी नेमिंग का सबसे बेसिक स्टेप पढ़ा था, अब उससे हम एक लेवल ऊपर चलेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? वो ग्रुप्स या वो एटम के ग्रुप्स जो हाइड्रोकार्बन को प्रॉपर्टी देते हैं। द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कन्फर्स प्रॉपर्टीज टू हाइड्रोकार्बन। एटम का वो ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक हाइड्रोकार्बन लिखा मीथेन, आपको याद होगा एल्केन का पहला मेम्बर है मीथेन। अगर इसमें से हम हाइड्रोजन निकाल दें और OH ग्रुप जोड़ दे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाले तो कितने बचेंगे, तीन, और एक OH जोड़ दे तो बनेगा OH। इसको बोलते हैं बेटा मीथेनॉल। CH4 को बोलते हैं मीथेन, और इसमें हमने एल्कोहल वाला ग्रुप जोड़ दिया। OH ग्रुप किसका है? एल्कोहल का। इसको बोलेंगे मीथेनॉल। अब देखिए, हमने हाइड्रोकार्बन को शराबी बना दिया, है ना? अच्छे खासे इंसान को हमने शराबी बना दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, हाइड्रोकार्बन को एल्कोहल में बदल दिया। तो वो ग्रुप एटम्स का जो हाइड्रोकार्बन को प्रॉपर्टी देता है, एटम का वो ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन को प्रॉपर्टी देता है। OH क्या है? एटम्स का ग्रुप है। ये किस हाइड्रोकार्बन को प्रॉपर्टी दे रहा है? मीथेन। कौन सी प्रॉपर्टी दे रहा है? दारूबाज बना रहा है, शराबी बना रहा है ना। वैसे ही फंक्शनल ग्रुप से बेटा जो आपके हाइड्रोकार्बन को प्रॉपर्टी देते हैं। अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे बेटा। फंक्शनल ग्रुप्स को हम जब आईयूपीएसी नेमिंग में यूज करते हैं तो उनको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और उनको हम बाद में भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सफिक्स। जब हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के या हाइड्रोकार्बन्स के, तो हम फंक्शनल ग्रुप्स को पहले भी नाम लिख कभी कभी देते हैं, कभी कभी बाद में देते हैं। कब पहले देंगे, कब बाद में देखेंगे, अभी आपको आगे पता चलेगा। जब पहले नाम देंगे तो प्रीफिक्स कहेंगे, जब बाद में नाम देंगे तो सफिक्स कहेंगे। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप, सबसे छोटा फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोकार्बन मेथिल। CH4 क्या होता है बेटा? मीथेन। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इसको बोलते हैं मेथिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? मेथिल ग्रुप, ठीक है। ऐसे मान लीजिए C2H6, ये क्या है? इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बनेगा एथिल ग्रुप। अभी मीथेन इथेन ये सब कहाँ से आ रहे हैं? तो आपको मेरी पुरानी लेक्चर में देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए, तो CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप, जितने भी हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सबको जब हम फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में लेते हैं तो इनको हमेशा हम प्रीफिक्स मतलब पहले लिखते हैं। जैसे एक कार्बन होगा तो मेथिल, दो कार्बन होगा तो एथिल। मान लीजिए तीन कार्बन है, C3H7। प्रोपेन में C3H8 होता है, हमने एक एच निकाल दिया तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा? प्रोपिल। कभी भी हम एल्किल ग्रुप्स को, इनको क्या बोलते हैं बेटा? एल्किल ग्रुप। इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप। कभी भी हम एल्किल ग्रुप को बाद में नहीं लिखते हैं, अभी एसी नेमिंग में बाद में नहीं लिखते, हमेशा पहले लिखते हैं। समझ आ रहा है? दूसरा जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, इससे थोड़ा बड़ा, वो है हैलोजन। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब क्या होते हैं बेटा? हैलोजन होते हैं। अब इनको नाम देंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरीके से नाम देंगे। ये कभी ये भी बाद में यूज नहीं होते, हमेशा ये पहले ही। तीसरे नंबर पे आपका आता है बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH। OH को बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर इसको हम पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स के फॉर्म यूज करेंगे तो हाइड्रोक्सिल कहेंगे, और सफिक्स के फॉर्म यूज करेंगे तो ऑल कहेंगे। जैसे आपने देखा था मीथेन था CH4, इसमें जब हमने OH जोड़ दिया तो उसका नाम लगा दिया मीथेनॉल।
हमने क्या इसमें देखिए सफिक्स मतलब बाद में यूज किया, तो बाद में जब इसको यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, मीथेनॉल। ऐसे ही आपका इसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम दिखाते हैं सी ओ एच, सी एच ओ ग्रुप के फॉर्म में, इसको बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एल्डो या फॉर्मो, और सफिक्स हम इसके लिए यूज करते हैं अल, नल लगा देते हैं। मान लिया मीथेन है बेटा सी एच फोर, अब मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाल करके एक हाइड्रोजन निकाला सी एच थ्री हो गया और सी एच फोर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दो कार्बन आ गए, अगर एक कार्बन होता मान लीजिए लिखा होता है एच सी एच टू, तो एक ही कार्बन है तो इसमें मीथेन, एक कार्बन मतलब मीथेन, और मीथेन में अल लगा देंगे तो मीथेन नल, नल लगा देंगे तो एल्डिहाइड में क्या लगाते हैं बेटा, नल लगाते हैं, हत्ते वाला नल, वाला नल नहीं लगा, ठीक। उसके बाद कीटोन, एल्डिहाइड के बाद कौन सा ग्रुप आता है बेटा, कीटोन आता है। कीटोन को सी ओ आर या सी ओ आर से दिखाते हैं, ठीक है बेटा। कीटोन के लिए हम सफिक्स प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सो या कीटो, और सफिक्स यूज करते हैं ओन। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, बात हमेशा याद रखिएगा एल्डिहाइड में सी एच ओ से पहले एच लिख सकता है, सी एच ओ से पहले यहाँ पे एक तो सी एच ओ ग्रुप है, यहाँ पे एच भी लग सकता है सी एच थ्री भी, लेकिन कीटोन में दोनों तरफ क्या होगा बेटा, एल्किल ग्रुप ही होगा, मतलब इधर भी आर होगा और इधर भी आर होगा। आर मतलब एल्किल ग्रुप, मतलब मेथिल एथिल कुछ भी, आर का मतलब क्या होगा एल्किल ग्रुप, मेथिल एथिल कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे दोनों तरफ मेथिल लगा दिया, कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप। तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा प्रोप, और ये प्रोपेन है और ये कीटोन है, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन ओन। तो जब कीटोन को हम सफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा ओन लगाते हैं। यहाँ पे देखिए कीटोन ग्रुप है सी ओ आर, सी ओ आर मतलब, आर मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल मतलब मेथिल एथिल कुछ भी, हमने मेथिल लिया तो कितने कार्बन हो गए, एक दो तीन, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और कीटोन ग्रुप है इसको बोलते हैं प्रोपेन ओन। लास्ट एंटर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर सी डबल ओ एच, इसलिए सिंबल क्या है बेटा आर सी डबल ओ एच, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसके लिए हमेशा सफिक्स होता है ओइक एसिड। मान लिया मीथेन में हमने सी डबल ओ एच लगा दिया, देखिए एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन ओइक एसिड लगा देंगे तो मीथेनोइक एसिड। और ये तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एटम्स के वो ग्रुप जो कि किसी हाइड्रोकार्बन को प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है मीथेन, इसमें हमने एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया ओएच ग्रुप, इसको एक प्रॉपर्टी मिल गई अल्कोहल में, मिल गया और नाम पड़ेगा मीथेनॉल। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप सीधे आईयूपीएसी नेमिंग ही करेंगे, ठीक है बेटा। ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, छह मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। आपका ईथर और ईस्टर हम आपको जब आईयूपीएसी नेमिंग कराएंगे तब समझाएंगे, इसको फिलहाल आपको याद करना है, और नेक्स्ट क्लास में आप आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है वो सीखना शुरू करेंगे। तो मतलब आपका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, और आप जानेंगे कि आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, तो लास्ट क्लास में आपने जानना हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होती है। इस क्लास में आपने जाना फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप्स को जोड़ करके हम आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। होप आप लोग को समझ में आया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोग के लिए लाता रहूँ। ओके, थैंक यू, बाय।